हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट नंबर 2 मुहावरे देखेंगे और इस वीडियो में मुहावरे का अर्थ के साथ कई सारे मुहावरे हैं। पहले हम मुहावरे की डेफिनेशन जान लेते हैं। मानवी अपनी बात को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग करता है। प्रचलित इन उक्तियों में अनुभव और व्यवहारिक नीति का निचोड़ होता है। अब हम कई सारे मुहावरे अर्थ के साथ देखेंगे। डिंग हाकना, झूठी बड़ाई करना, डूब मरना, शर्म से झुक जाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, अपना मत अलग रखना, डंका बजाना, प्रभाव रखना, ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना, ढोल पीटना, अत्यधिक प्रचार करना, ढोल में पोल होना, थोथा या सारहीन, तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा देना, तेवर चढ़ाना, नाराज होना, तलवार के गांठ उतारना, मार डालना, तिलांजलि देना, त्याग देना, छोड़ देना, तितर बितर होना, अलग अलग होना, तारे गिनाना, बेचैनी में रात काटना, थूक चाटना, अपने वचन से मुकराना, थैली खोलना, जी खोलकर खर्च करना, थुथु करना, घृणा प्रकट करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, ठीक न्याय करना, दांत खट्टे करना, परेशान करना, दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब होना, दाल में काला होना, छल कपट होना या संदेहपूर्ण होना, दिया लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, दाल गलना, काम बनाना, दिन में तारे दिखाई देना, घबरा जाना, दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, दिन रात एक करना, खूब परिश्रम करना, दिमाग आसान आसमान पर चढ़ाना, अत्यधिक गर्व होना, दोनों हाथों में लड्डू होना, सर्वत्र लाभ ही लाभ होना, दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना, दूसरे को माध्यम बनाकर काम करना, दिल छोटा करना, दुखी होना, धूप में बाल सुखाना, अनुभवहीन होना, दाग जमाना, प्रभाव जमाना, धूल में मिलाना, नष्ट करना, धरती पर पाव न पड़ना, फूला न समाना, अभिमानी होना, धूल झोंकना, दर दर की ठोकरें खाना, धजिया उड़ाना, दुर्गति करना, कड़ा विरोध करना, नमक मिर्च लगाना, बात को आकर्षक बनाकर कहना, नानी याद आना, बड़ी कठिनाई में पड़ना, नाम कमाना, प्रसिद्ध होना, 9-2-11 होना, भाग जाना, नीला पीला होना, क्रोध करना, नाक रगड़ना, दीनता प्रदर्शित करना, नाक कटना, बदनामी होना, नाक रख लेना, इज्जत बचाना, नाम निशा तक न बचना, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, नींव की ईंट होना, प्रमुख आधार होना, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, पेट पालना, जीवन निर्वाह करना, पहाड़ टूट पड़ना, बहुत मुसीबत आना, पानी पीकर जात पूछना, काम करके फिर जानकारी लेना, पैरों तले
से जमीन खिसकना, बहुत घबरा जाना या अचानक परेशानी आना। पापड़ बेलना, कड़ी मेहनत करना। प्राण हथेली पर रखना, जान देने के लिए तैयार रहना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना। पांचों उंगलियां गीमे होना, सब ओर से लाभ होना। पीठ ठोकना, शाबाशी देना या हिम्मत बांधना। फूटी आंख न सुहाना, बिल्कुल पसंद न होना। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। पानीदार होना, इज्जतदार होना। पाँव में बेड़ी पड़ जाना, बंधन में बंध जाना। बाह पकड़ना, सहायता करना या सहारा देना। बीड़ा उठाना, कठिन कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना। बात बनाना, बहाना बनाना। बाल बाका न होना, कुछ भी नुकसान न होना। बगले झोंकना, इधर उधर देखना या निरुत्तर होना। बाएं हाथ का काम होना, सरल कार्य होना। भूत सवार होना, हट पकड़ना। भरी थाली को लात मारना, जीविकोपार्जन के साधन को ठुकराना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के समक्ष बुद्धिमानी की बातें करना। मन के लड्डू खाना, कोरी कल्पनाएं करना। मुंह में पानी भर आना, जी ललचाना। मुंह पे लगाम न लगना, नियंत्रित बातें करना, अनियंत्रित बातें करना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना लेना। मक्खियां मारना, बेकार भटकना। मुंह काला होना, कलंकित होना। मुंह की खाना, बातों में हारना या अपमानित होना। मन मारना, उदास होना या इच्छाओं पर नियंत्रण करना। मुंह मोड़ना, ध्यान न देना। रंग में भेद भंग होना, बाधा होना। राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। रोम रोम खिल उठना, प्रसन्न होना। रोंगटे खड़े होना, डर से रोमांचित होना। रफू चक्कर होना, भाग जाना। रंग जमाना, प्रभाव जमाना। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना। लोहा लेना, युद्ध करना या मुकाबला करना। लोहू पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। लंबा हाथ मारना, धोखाधड़ी से पैसे बनाना। समझ पर पत्थर पड़ना, अक्ल मारी जाना। सिर हथेली पर रखना, मृत्यु की चिंता न करना। सिर उठाना, विद्रोह करना। सितारा चमकना, यानी भाग्यशाली होना। सूरज को दीपक दिखाना, यानी अत्यधिक व्यक्ति का परिचय देना। सिर पर कफन बांधना, यानी मरने को प्रस्तुत करना। सिर आंखों पर रखना, यानी आदर सहित आज्ञा मानना। सोने की चिड़िया हाथ से निकलना, लाभपूर्ण वस्तु से वंचित रहना। सोने की चिड़िया होना, बहुत धनवान होना। सांप छछुंदर की गति होना, यानी दुविधा में पड़ना। सोने में सुगंध होना, यानी एक गुण में और गुण मिलना। सिर मुंडना, यानी ठगना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, यानी बुरी तरह पीछे पड़ना।
हाथ तंग होना यानी धन की कमी या दिक्कत होना, हवाई किले बनाना, थोथी कल्पना करना, हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, हाथ पर हाथ धरकर बैठना यानी निष्क्रिय बनना या बेकार बैठ रहना, हवा की रुख देखना यानी समय की गति पहचान कर काम करना, हाथ साफ करना यानी माल मारना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसे ही हमारे अगले वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण को सब्सक्राइब करना न भूलें।